भी चल रही है, सब्जी काटना चल रहा है क्योंकि अंधेरा जल्दी जल्दी हो जाता है और इधर की लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है। लगा तो दिए हैं वैसे, लेकिन क्या पता चले जाए फिर से रात रात को। तो फटाफट सब्जी वब्जी काट के सब्जी बना के ऊपर रख देंगे और उसके बाद फिर किधर को बाग बाग आने की भी डर होती है। और अभी तो फिर वैसे भी सोच का टाइम है और इतना भूड़ भाड़, और नीचे वाला जो खेत है उसकी सफाई भी बिल्कुल नहीं करी है, तो वो भी सफाई करनी है। पहले काटते हैं सब्जी, आज बनाना है करेले की सब्जी, क्योंकि करेले की सब्जी मोस्टली सभी खा लेते हैं। तो वो बन गई है करेले की सब्जी। और इसके बाद आटा बनेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद अभी तो पानी भी नहीं था इधर, पानी भी लगाया पता है यहाँ, मतलब 1.5 साल से घर छूटा था, तो इधर जो ऊपर हमने जो पानी का नल नाना जी लोगों ने लगाया हुआ था वो भी सब चोर के ले गए। तो कैसे, और जो गेट था ऊपर वाला गेट उसको भी तोड़ दिया और हम नल वल भी चोर के ले गए। देखा इतने टाइम बाद, पहले मैं सोचती हूँ बदलाव हुआ है, जब पहले से जब हम छोटे थे तब आते थे हम सोचते थे नहीं नहीं चेंज हुए हैं, आज वहाँ ये चेंज हुआ होगा। लेकिन जब यहाँ आए तो आज अलग ही चेंज देखने को मिला। आज बड़ा बुरा जैसा भी लगा थोड़ा, क्योंकि घर में तो कम ही खलती है सब लोग, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी तो काफी साफ सफाई करनी मामी लोगों ने, और अभी मामी भी चल रही है, मामी गई है ऊपर क्योंकि अंदर लीपना है गोबर ऊबर से। तो बनाते हैं सब्जी फटाफट और उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the past. तो बन रही है सब्जी, मैंने आटा भी ओल के रख दिया और मैंने ककड़ी भी कोरनी थी, लेकिन ना कोरने का कुछ नया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये किसी के घर में है ऐसा, ये यहाँ ककड़ी कोरने वाला है, इससे ककड़ी कोरते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसलिए मैंने वो काट के रख दिया और उसके अंदर के गुदड़े निकाल के रख दिए हैं। तो इससे भी मामी आएगी ककड़ी कोरेगी, मैं आपको दिखाऊंगी इससे कैसे ककड़ी कोरते हैं करके। मामी ने मेरे को बताया कि इससे कोरते हैं ककड़ी, मैंने तो पहली बार देखा, लेकिन अभी मामी आएगी, मामी ककड़ी कोरेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इससे ककड़ी कैसे कोरते हैं। बाकी सब्जी बन रही है उधर पे, आटा मैंने उल के रख दिया है, बाकी फिर दिखाते हैं अभी आपको आगे को। अरे काम कर रहा है आज यहाँ करके, मम्मी व्लॉग देखेगी, मम्मी खुश हो जाएगी, मम्मी कहेगी मेरा पुत्र काम कर रहा है, वहाँ तो कुछ करता नहीं है, वहाँ तो कुछ करता नहीं है, बाकी काम कर रहा है ये, ट्रेनिंग दे रहे हैं इसको काम की। खाने की तो बात ही नहीं आई अभी, यहाँ तो काम करने की बात आ रही है। बाकी धूप यहाँ रहती है पूरे शाम तक ना, सनसेट देखने कितना प्यारा लगता है। हाँ यहाँ से तो अच्छा लगता है। तो ये है हमारी नानी जी। नानी और नानी यहाँ कितने टाइम से अकेले ही रह रही है, इतना अकेला, मतलब इनका सुनसान में घर है। मम्मी हर बार कहती है कि नानी ने पूरी भाखरी पहरा रखी है करके, और मतलब नानी अकेली रहना है। नानी डर नहीं लगता कभी आपको? कभी नहीं। और मतलब कुत्ता वत्ता भी था आपका, वो कहाँ गया? वो मर गया, कुत्ता भी मर गया इनका। और नानी अकेले रहती है वहाँ घर में, और इधर को तो फिर और भी सुनसान है, उधर को तो तब भी घर है, फिर आपको किसी की डर नहीं लगती? नहीं, नहीं। मैं अपना दरवाजा बंद कर देती हूँ जल्दी। हाँ लेकिन फिर भी डर तो रहती है सभी लोगों की। नानी पूरी नानी यहाँ सब इतने जगह जंगल वाले, इधर घर नानी का सबसे अकेले में घर है, इधर नानी अकेले रहती है। और ये नौला सूख गया नानी वाला? नहीं सूखा है, ये नौला भी है, लेकिन अब यहाँ कोई है नहीं, तो सफाई वफाई भी कोई नहीं करता होगा ना? ना ना कोई नहीं करता इतना, ये सब लोगों ने किया है, स्कूल का ये जो इतना रास्ता साफ हो रखा है ये सब ने किया है दोनों ने। हाँ ये है प्राइमरी स्कूल, मेरी मम्मी लोगों ने भी इधर से पढ़ा है जब मेरी मम्मी लोग छोटे थे। और ये है नौला इधर का, बहुत ही कम पानी है इसमें, तो अब लगभग खत्म ही हो गया है, बहुत ही कम पानी दिख भी नहीं रहा है। और यह है स्कूल, यहाँ से मेरी मम्मी लोगों ने, मामा जी लोगों ने, सबसे इधर ही, सब लोगों ने इधर ही से पढ़ा हुआ है। बाकी ये तो छोटा, ये कितने तक का है ये नानी? 5 तक का 6 तक का है ना? पांच तक का। हाँ 5 तक का है। तो बच्चे हैं अभी यहाँ? तीन ही बच्चे हैं,
बच्चे हैं, दो सर। अच्छा, तीन ही बच्चे हैं और दो सर हैं। वो और बच्चे कौन सी क्लास में है? एक ही क्लास में है? एक पांच में, दो चार में। अच्छा, और कौन रहता है फिर गांव में और कौन पढ़ता है यहाँ भी? और फिर ऐसे ही तो जाते हैं फिर, इनकी तो अगर ये टूट फूट भी होती है तो इनकी मरम्मत कराने वाला भी कोई नहीं होता है। ये रास्ता कहाँ को गया नानी? ये भक्तोला बैनर, भक्तोला बैनर को गया ये वाला रास्ता। और इधर है नानी का घर ऊपर को, नानी उधर से भी जाती है, लेकिन हमारे साथ आकांक्षा आई है तो वो चढ़ नहीं पाएगी रास्ता, तो हम लोग इधर के रास्ते आए घूम के। बहुत खतरनाक रास्ता है। और ये रहा नानी का घर। मैं तो कितने टाइम बाद आ रही हूँ इधर को। मैं घर फिरी, मैं घर फिरी, मैं घर फिर मैं तो ले वो यहाँ यहाँ से मैंने ऐसे लगी ऊपर ठीक है, लेकिन मेरा पाँव ऊपर नहीं हुआ, मैं ऐसे गिर गया। तो लगी नहीं? लगी हाँ, आधे घंटा तक यहीं पड़ी थी। और फिर आप तो फिर अकेले रहने वाले हुए, किसी को आवाज आवाज भी उज्जू कैसे लगाते हाय। आप तो फिर अकेले अकेले रहने वाले हुए यहाँ, तो फिर उठे कैसे फिर आप? आधे घंटे में उठी थी। किसी को कहानी फिर आपने दिखा के नहीं लाया आप? ना ना, यहाँ थोड़ा यहाँ कटा, इतना गए थोड़ा यहाँ कटा। दिखा के लाते ना तो, अगर जो कभी ऐसी तो मम्मी भी कह रही थी अगर इधर साइड ऐसा है सुन सान के ना किसी को आवाज लगाने वाला जैसा ये, और उधर तक का कोई घर नहीं है, इधर ऊपर भी कोई घर नहीं है। इधर पे एक नानी का घर है, एक नीचे स्कूल है, स्कूल में भी दिन में तीन ही बच्चे आते हैं, अगर ज्यादा होते तो चहल पहल भी रहती। ये है नानी का घर। और है मैं और अक्कू आ गए नानी के घर से। नानी ने हमको ककड़ी दी छोटी छोटी, वैसे तो इधर लंगूर अंगूर नानी बोल रही थी रखते नहीं है, लेकिन नानी कह रही थी मैंने बात के रखी थी ककड़ी, तो नानी ने ये दी। वैसे भी नानी लोगों का प्यार ऐसे ही दिखता है, उन्होंने सेब काट के भी दिया, ये भी दिया। और बाकी फिर भी इतने बड़े घर में जंगल में रहना कोई मामूली बात नहीं है, आजकल तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि नानी इतनी बड़े जंगल में अकेले रह रही है। और इधर तो ये स्कूल है बताया था मैंने। ये मामा जी कोने लग गए हैं ककड़ी, नए प्रकार का यंत्र है एक जो होगा पता नहीं, पुराने जमाने का है, लेकिन क्या बोलते हैं मम्मी जी, क्या कहते हैं वैसे इसको? कुरानी कुरानी कहते हैं इसको, कुरानी। किस किस के घर में है ये बताना कमेंट करके, जो गांव साइड से है किसी के घर में तो होगा ही। इसका रायता बना के और अच्छा लगता है, मोटा होता है ना इससे, महीन नहीं आता। चलो आज अक्कू का टेस्ट होगा कि अक्कू को पहाड़ी बोलनी कितनी आती है। अक्कू रेडी? हाँ हाँ। चलो तो पहला है, हमने खाना खा लिया। हमूल खा खेलो। अच्छा, तुम कहाँ से आए हो? तुम कहाँ बीतिक आर्चा? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं दिल्ली बीतिक एरी। गुड। बोलो। अब शाम हो गई। अब शाम है गई। अच्छा, पूछ कुछ पूछ। अब मैं पूछा हूँ। हम दिल्ली से बस में आए। हम दिल्ली बैठे बस में आ रही। शाबाश, ये है हमारी होशियार लड़की। और बस से आने के बाद दौराहाट से हम अपने गांव तक कार में आए। फिर से बोलना। बस से आने के बाद हम दौराहाट से अपने घर कार में आए। बस बिठिक आड़ी बाद हम कार में जी घर आई।
वेरी गुड यार, नाइस। ये हमारे टीचर साहब, थैंक यू गाइस। ये पूछ रहे हैं, और पूछ कुछ, और कुछ, और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। चांद निकल आया, नहीं ऐसा बोल, देखो अब सूरज ढल गया और चांद निकल आया। अब सूरज ढल गो और चांद बाहर रह गो। वेरी गुड, बढ़िया। तो यार हो गई है शाम, हो गया है अंधेरा, और इन लोगों ने तो आपको ने बहुत अच्छी पहाड़ी बोली, और इसने बहुत अच्छा पूछा, खुद तो नहीं आता लेकिन उससे जरूर पूछ दिया इसने। तो हो गया है अंधेरा अंधेरा, और तो एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलेंगे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।